बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हमने ये बात बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जब भी किसी सॉल्वेंट के अंदर हम सल्यूट ऐड करते हैं, जैसा कि 1 किलोग्राम ये सॉल्वेंट है से वाटर, उसमें 1 मोल हम यूरिया ऐड कर दें, 1 मोल सुक्रोज ऐड कर दें, 1 मोल जो है वो ग्लूकोज ऐड कर दें, जो कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है, तो इसके सॉल्यूशन के बनते ही इसमें क्या चेंज आएगी? इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसको हमने पढ़ लिया तफसील के साथ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर। फिर हमने पढ़ा उसी सॉल्यूशन का जब आप बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट की निस्बत ज़्यादा आएगा, यानी कि वेपर प्रेशर कम हो गया था हमने पढ़ा था, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब हम उसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नोट करेंगे तो सपोज वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जब सॉल्यूशन बना लेंगे उसका, तो 1 मोलर यूरिया का सॉल्यूशन बना लेंगे, उसमें 1 मोल यूरिया डिजोल्व कर देंगे, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट करेंगे तो वो आएगा -1.86। तो वही पानी जिसके अंदर सॉल्यूट डाला तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट के कम होने को हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और जो है वेपर प्रेशर के कम होने को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कम क्यों होता है ये तफसील मैं बता चुका हूँ कि सरफस के ऊपर सल्यूट मालिक्यूल के आने की वजह से सॉल्वेंट के एस्केप करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो वेपर्स कम बनते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन के बाद जो बन जाता है तो उसको जब पहले से ज़्यादा हीट करना पड़ता है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो चुका है, तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब कम हो जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ये हमने बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि वेपर प्रेशर जब कम हो जाएगा उस कम वेपर प्रेशर वाले लिक्विड के वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर तक लेके जाने के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, इसको हमने बोला था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर इसी तरह उसी सॉल्यूशन का जब हम फ्रीजिंग पॉइंट नोट करेंगे तो वो डिप्रेस हो जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने जो है फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन को समझना है, जो कि आपको पहले से थोड़ा बहुत पता होगी। क्या जब भी किसी लिक्विड को, जब भी से वाटर है, वाटर को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते, सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वाटर से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो आइस में कन्वर्ट नहीं होता, तो जब उसको फ्रीज करना चाहते हैं आप, उसको सॉलिडिफाई करना चाहते हैं, तो उसका टेम्परेचर कम करेंगे, 25 से 20 करेंगे, 20 से आप 10 करेंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस में आपने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक में। तो आप जब टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, उसकी एनर्जी कम होती है, जिससे उसकी मूवमेंट स्लो होती जाती है। एक वक्त आता है कि जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाते हैं तो उस वक्त जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा टेम्परेचर, अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर जिससे इस तरफ वाटर है और इस तरफ आइस है, यानी कि 0 से नीचे आ जाए तो आपको आइस मिलेगी, 0 से ऊपर चला जाए तो वाटर मिलेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर क्या होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर है जिसपे आइस और वाटर दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस को एग्जिस्ट करें, ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जिससे ऊपर जाए तो लिक्विड फेज, नीचे आ जाए तो सॉलिड फेज, तो ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर दोनों फेजेस लिक्विड और सॉलिड फेज को एग्जिस्ट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी स्टेट को हम कहते हैं कि ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है या ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं उसको, डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर और रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इक्वल होता है, तो ऐसे टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एक तो डेफिनेशन ये आपने याद की होगी और आपको पता होगा। दूसरी डेफिनेशन हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वेपर प्रेशर के साथ इसको रिलेट करेंगे। ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर एक हो जाए, जैसे हमने पढ़ा था ना कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। यहां एक्सटर्नल को नहीं हम देखेंगे, क्या कहेंगे, ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर एक हो जाए, तो उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। इसको हम एक ग्राफ से कैसे समझेंगे, सेम जैसे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ग्राफ बनाया था, वेपर प्रेशर कर्व्स बनाई थी, तो एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर ले लेंगे, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर ले लेंगे। ये समझ लें, ए एक
रूम टेम्परेचर पे से वाटर है ए पॉइंट पे, इसका टेम्परेचर फर्ज करें यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने की थी, चूंकि बॉइलिंग पॉइंट नोट करना था तो ए से 25 से हमने गर्म करना शुरू किया था, उसको हीट करना शुरू किया था। जब हीट करना शुरू किया था तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, और बढ़ता बढ़ता जब 760 हो गया तो हमने कह दिया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, क्योंकि 100 पे जाके ऐसा हुआ। अब हमने चूंकि फ्रीज करना है तो टेम्परेचर 25 से 100 की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम पीछे की तरफ आएंगे। जब हम 25 से पीछे की तरफ जाएंगे, 10 20 पे जाएंगे, 15 करेंगे, लो करेंगे टेम्परेचर, तो जैसा टेम्परेचर बढ़ाया था तो वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। तो कर्व ऊपर की तरफ जा रही थी, हमने कर्व को यहाँ से शुरू किया था और कर्व ऊपर की तरफ जा रही थी। अब हम कर्व को यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये इसका टेम्परेचर कम करेंगे 25 से 20 15 10, तो इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम करने से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं और वेपर्स बनने की सलाहियत कम हो जाती है, और वेपर जब कम बनेंगे तो प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो जब आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो डिक्रीज इन टेम्परेचर विल डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, तो करेगा प्रेशर वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। आप टेम्परेचर जब जीरो पे पहुंच जाएंगे तो ये पॉइंट देखे जरा, इस पॉइंट पे समझ ले जीरो टेम्परेचर पे आप पहुंचे, तो जो ही जीरो पे पहुंचे तो इसने किसमें कन्वर्ट हो जाना है, किसमें कन्वर्ट हो जाना बताएं, फेज चेंज होनी है। जीरो के बाद इसने किसमें जाना है, आइस में। तो जीरो पे जाकर वो सडनली लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, तो उसके वेपर प्रेशर में सडन डिक्रीज आता है। अब बच्चे ये मुश्किल से समझते हैं कि इसके कर्व में क्यों चेंज जो है वो स्लोप ज्यादा, पहले देखें ये स्लोप बड़ी स्मूथ आ रही है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे आके ये प्रेशर ये कर्व ऐसे ही जाती जाती, लेकिन ये कर्व थोड़ी सी ज्यादा स्लोप, यानी कि ये एक घाटी आप जा रहे हैं घाटी के में, अब एकदम से ऐसे आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्लोप, यानी यहां से आ रहे हैं एक इस तरह आ रहे हैं फिर एकदम ऐसे हो गए हैं, तो इसका मतलब स्लोप ज्यादा हो गई है। जब स्लोप ज्यादा होगी इसकी क्या वजह है, क्योंकि फेज चेंज हुई है। ये पॉइंट बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये समझना बड़ा जरूरी है। क्या कि जब इसकी मिसाल ऐसा समझे कि एक स्कूल में क्लास में बच्चे जो है स्कूल में ब्रेक हुई है आधे घंटे की, बच्चे जो है क्लासरूम समझ लें, क्लासरूम में बच्चे अपनी फिक्स पोजीशन पर बैठे हैं, समझ लें सॉलिड अरेंजमेंट है। क्लास से बाहर हैं तो वो मूव कर रहे हैं, कैंटीन पे जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो ये उसकी समझ लें लिक्विड स्टेट है, फ्री मूवमेंट है। वो क्लास में अपने अपने बेंचेस पे फिक्स बैठे हैं, ये समझ लें उसकी सॉलिड स्टेट है। अब आधा घंटा पड़ा हुआ है, आधा घंटा उसको ब्रेक मिली, उन्होंने खेलना शुरू किया, अभी काफी टाइम है, जैसे हमने 25 से शुरू किया तो ए से बी सॉलिड बनने का अभी काफी टाइम है, तो मॉलिक्यूल्स वेपर्स में रहेंगे। लेकिन आप 25 30 मिनट में से 10 मिनट गुजर गए, फिर 20 मिनट गुजर गए, फिर 25 मिनट गुजर गए, तो वो उनको जहन में बच्चों के आना शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चे क्लास में वापस जाना शुरू कर देंगे कि जी हमारा काम खत्म हो गया जी, क्लास का ब्रेक खत्म होने वाली है, वो क्लास में जाना शुरू कर देंगे, वेपर्स कम होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो क्लास में बैठ जाएंगे, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट मतलब लिक्विड में जाना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड में जाना शुरू हो जाएंगे, तो वेपर्स की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। फिर जब ब्रेक खत्म होने के करीब होगी तो उस वक्त भी कुछ बच्चे बाहर खेल रहे होंगे कि अभी ब्रेक का टाइम है, एक बारी और लगा लेते हैं। जो ही घंटी बजेगी, ब्रेक खत्म हो जाएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाएगा, समझ लो घंटी बज गई, तो वो फटाफट भाग के वो जो सारे बच्चे बिखरे हुए थे कट्ठे एकदम से क्लास में एंटर होंगे, यानी कि वो वेपर जो स्कैटर्ड थे वो एकदम से सडनली सॉलिडिफाई हो जाएंगे, सडनली सॉलिडिफाई होंगे। तो जब सडनली सॉलिडिफाई होंगे ज्यादा वेपर्स कट्ठे, तो वेपर्स कट्ठे जब सॉलिड में कन्वर्ट होंगे तो वेपर प्रेशर सडनली फॉल करेगा, यकमुश्त ज्यादा जो है उसमें चेंज आएगी, ज्यादा डिक्रीज आएगा, जिससे कर्व जो है इस तरह जाने की बजाय अगर मैं इसको सीधा बनाऊं तो ये इस तरह कम होना चाहिए था, लेकिन ये जो सडनली ब्रेक आई है कर्व में, सडन डिक्रीज आई है, ह्यूज डिक्रीज आई है। इसकी वजह क्या है कि जब लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट में कन्वर्ट होता है तो वेपर्स उसके फ्रीज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचकर एकदम से सॉलिडिफाई होते हैं, जो कि पहले कंफर्टेबल थे, रिलैक्स थे कि अभी कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट आया, अभी कौन सी बेल ब्रेक खत्म हुई है, तो वो अच्छे भले खेल रहे थे, जब बेल हुई अचानक उन्होंने बारी छोड़ी, अपनी जो 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 काम कर रहा था वो सारी एक्टिविटी छोड़ के फौरन क्लास में पहुंचे, सॉलिडिफाई हो गए, तो उसका सारे बच्चों का इकट्ठा ज्यादा तादाद में एकदम क्लास में आना, ये जो है इस कर्व को सडनली डिक्रीज करता है, वेपर प्रेशर में सडन डिक्रीज करता है, ये समझना बड़ा जरूरी था। तो फ्रीजिंग पॉइंट की दूसरी डेफिनेशन आपको समझा रहे, एक तो मैंने कहा था ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों को एग्जिस्ट करें, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक नई डेफिनेशन आपको बताने लगा हूं, ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर कर्व
और सॉलिड सॉल्वेंट, ये इसके आगे सारा सॉलिड है, इससे पीछे सारा लिक्विड है, तो इस पॉइंट से इधर लिक्विड, इस पॉइंट से इधर सॉलिड, तो इस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर पी नॉट है। जैसे मैंने कहा था कि फ्रीजिंग पॉइंट की नेट एवरेज क्या बताई थी, ऐसा टेम्परेचर टी वन, ऐसा टेम्परेचर है इस पॉइंट के ऊपर, यह टेम्परेचर टी वन है, तो ये ऐसा टेम्परेचर है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि वाटर हम ले रहे हैं, तो वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड टी वन ऐसा टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड की वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम है, या ये कह लें ऐसा टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा जिस पर लिक्विड की वेपर प्रेशर कर्व, प्योर लिक्विड की वेपर प्रेशर कर्व सॉलिड की वेपर प्रेशर कर्व को इंटरसेप्ट करे, यानी कि ये सॉलिड है और ये लिक्विड, ये जहां पे इंटरसेप्ट करेंगे इस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ये पॉइंट याद रख लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की नई डेफिनेशन, कि ऐसा टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है जिस पर लिक्विड की वेपर प्रेशर कर्व और सॉलिड की वेपर प्रेशर कर्व सेम हो, या ये कह लें जहां लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो, पी नॉट है जैसे यहां पे, तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि कितना आया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने अभी बताया आपको ये टी वन, समझ लें वाटर की अगर हम केस ले रहे हैं तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है। अब दोबारा से फिर उसी तरह इसको मेल्ट कर लें, मतलब अगर फ्रीज कर चुके हैं आप तो इसको मेल्ट कर लें, ये कर्व हमारे पास आ गई ए से बी, ये लिक्विड पोर्शन है, बी से सी ये सॉलिड पोर्शन है। अच्छा अब हम बात करते हैं क्या, इसको हमने मेल्ट कर लिया, दोबारा इसको 25 टेम्परेचर पे ले गए, रूम टेम्परेचर पे ले गए, अब इसमें 1 मोल हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, फर्ज करें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट था, उसमें 1 मोल हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, जब 1 मोल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हम पढ़ चुके हैं उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, पहले ए था बी, यानी कि नीचे आ गया, कम हो गया, जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, वो ये डायरेक्टली पोर्शन होती है इसके नंबर मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब इसको दोबारा से फिर फ्रीज करना शुरू करें, इसका टेम्परेचर कम करना शुरू करें, वेपर प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाएगा, इसको मैं बता चुका हूँ, सेम वही प्रोसेस दोबारा करना है। अब जब इसका टेम्परेचर आप कम करते जा रहे हैं, तो जब ये इस जीरो पे पहुंचा, टी वन टेम्परेचर पे पहुंचा, तो अभी इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, मैंने कहा था, या इस कर्व ने इस सॉलिड की कर्व को अभी इंटरसेप्ट नहीं किया, जब ये इंटरसेप्ट करेगी उसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। हमने जब जीरो पे पहुंची तो अभी ये लिक्विड फॉर्म ही रहेगा सॉल्यूशन जो है, तो इसका और टेम्परेचर टी वन से भी लो पे जाना पड़ेगा, तो फिर जाके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम कहते हैं ई पॉइंट, ई पॉइंट पे सॉल्यूशन की कर्व, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कर्व ई पॉइंट पे जो आकर जो सॉलिड की सी बी कर्व को इंटरसेप्ट करती है, पॉइंट समझिए जरा, ये सॉल्यूशन की कर्व है, सॉल्यूशन की कर्व है ये, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कर्व और ये प्योर सॉल्वेंट की है, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कर्व सॉलिड सी बी कर्व को, ये सॉलिड पोर्शन है, सी बी कर्व को इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती है, तो इस पॉइंट को नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये टी टू जो आएगा, दिस विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये टी वन से नीचे की तरफ है, पीछे की तरफ है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1-1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं बताया था आपको कि जब 1 किलोग्राम वाटर में 1 मोल सॉल्यूट ऐड करेंगे, यूरिया, ग्लूकोज या सुक्रोज, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें जो डिप्रेशन आती है तीनों सॉल्यूशन में सेम आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो कितनी आती है, यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर टी टू आ जाएगा -1.86, क्योंकि ये डिप्रेस हो चुका है, क्योंकि इसके ग्राफ से आपको मैंने क्लियरली बता दिया है, जैसे एलिवेशन का समझाया था कि जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होने के बाद जब उसको दोबारा बॉयल किया था तो बॉइलिंग पॉइंट 100.52 आया था, सेम इसी तरह जब सॉल्यूशन को फ्रीज करेंगे तो जीरो पे पहुंच के वो फ्रीज नहीं होगा, बल्कि -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वो फ्रीज होगा, तो वो क्या कहलाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टी टू और टी वन, तो इनमें जो चेंज आएगा, डिफरेंस आएगा, वो क्या कहलाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और वो कितना आता है, जीरो में से टी वन टी टू माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा। जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मैंने पूछा था कितना आया था, 0.52। अगर मैं पूछूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो -1.86, तो मैं पूछूं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो आप बताएंगे 1.86 डिप्रेस हो गया इसका, जो कि क्या कहलाएगा, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या होगा, टी वन माइनस टी टू करेंगे तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा, और डेल्टा टी एफ क्या कहलाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। पहले मैंने लिखा था यहाँ डेल्टा टी बी, वो क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये एफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है, क्योंकि डेल्टा टी का मतलब चेंज लिया आपने, वहां पे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का चेंज लिया,
लेकिन वो बड़ा था इसलिए एलिवेशन का वर्ड आया और साथ भी लिख दिया था। यहाँ भी दो रूट मेजर का डिफरेंस ही आ रहा है, लेकिन ये कमी हो रही है इसलिए डिप्रेशन का वर्ड आएगा, और चूंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है उसके लिए यहाँ पे एफ लिखेंगे, बाकी इसमें और कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये बात आपको समझ आ गई ग्राफ से कि ये कैसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ, कि डेफिनेशन जो समझेगा उसको समझ आएगी कि सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कर्व सॉलिड सी बी कर्व को जिस पॉइंट, यानी कि ये ईडी कर्व ई पॉइंट पे सी बी कर्व को इंटरसेप्ट करती है ई पॉइंट पे, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये मैंने तफसील से आपको समझा दिया। आगे ये सारे स्टेप्स वही हैं जो हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़े थे, कि एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितनी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर ये यहाँ पे आता फर्ज करो, तो इसके पॉइंट को मिलाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे जाकर इंटरसेप्ट करेगा, तो ये जो है और ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर यहाँ पे अगर आता है तो ये और ज्यादा नीचे जाएगा, तो जितनी सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा करते जाएंगे, मोलैलिटी ज्यादा करते जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ज्यादा करते जाएंगे, उतना लोरिंग ज्यादा होगी, लोरिंग ज्यादा होगी तो उतना ही डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा। तो इनका आपस में भी क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये मैं बता चुका हूँ कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनल साइन खत्म करेंगे तो के एफ आ जाएगा। के एफ क्या बताया था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, वो क्या था, मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, ये होगा मोलल फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट के एफ। इसको कैसे फाइंड करेंगे, एम को इधर नीचे ले जाएंगे, तो के एफ क्या है, रेशियो ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन है या सॉल्यूट है उसकी जो मोलैलिटी होगी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे के एफ को, सेम उसी तरह कि ये किसके बराबर है, डेल्टा टी एफ। तो कैसे डिफाइन करेंगे, जो 1 मोल सॉल्यूट हम 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जब ऐड करेंगे उसमें जो डिप्रेशन आएगी वो कितनी आई थी, मैंने कहा था 1.86। तो इसी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को के एफ कहेंगे, कब, जब 1 मोल सॉल्यूट को हम 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे। तो क्या डिफाइन करेंगे, के एफ क्या है, आप कहेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड, यानी के एफ बराबर है इसके, और ये क्या है 1.86। तो ये जो डिप्रेशन आएगी सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट में, कब, जब 1 मोल सॉल्यूट का 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, तो T1 से T2 जो कमी आएगी, डिप्रेशन आएगी, उसको डेल्टा टी एफ कहेंगे, और इस डेल्टा टी एफ को ही के एफ कहेंगे। और ये डेल्टा टी एफ कितना आता है, 1.86, और इसके यूनिट भी वही होंगे जो के बी के थे, डिग्री सेंटीग्रेड ओवर मोल पर किलोग्राम। तो ये हमारे पास के बी को क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और उसको क्या बोला था, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। और ये डेफिनेशन अलग से आ जाती है, इसके यूनिट भी अलग से आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, कि के बी और के एफ को डिफाइन करें। तो के बी और के एफ दोनों ही जो है रेशियो है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी की रेशियो है, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और मोलैलिटी की रेशियो है, डेफिनेशन में 99% सेम है, कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जब 1 मोल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो एलिवेशन आएगी वो के बी कहलाएगी, और जो डिप्रेशन आएगी वो के एफ कहलाएगी, और के एफ को क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में मोलैलिटी की वैल्यू पुट करनी है, मोलैलिटी हमें पता है किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट नॉर्मली हम ग्राम में लेते हैं, तो उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो उसको W1 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से किलोग्राम में चला जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, W2 over M2, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये हमने तीसरी चौथी दफा कर रहे हैं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा और ये M2 नीचे आ जाएगा। तो ये सिंपल रीअरेंजमेंट है, कोई मुश्किल नहीं, M2 नीचे आ गया, ये 1000 नीचे था ऊपर चला गया। ये मोलैलिटी की वैल्यू इस क्वेश्चन में एम की जगह पुट कर देंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, ये मोलैलिटी की ये वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। यहाँ से एम टू फाइंड करना है, एम टू इधर ले जाएंगे, डेल्टा टी एफ नीचे आ जाएगा। तो दिस इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास ये जो क्वेश्चन आई है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाना है। और एम टू की वैल्यू हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी फाइंड कर सकते हैं उस एक्सप्रेशन से भी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला एक्सप्रेशन और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाला एक्सप्रेशन, तीनों एक्सप्रेशन से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये भी फाइंड करना चाहे, बाकी चीजें गिवन हो, तो मतलब ये सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है।